नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टिप्स की, जो कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दोबारा से चालू हो गई है, लॉकडाउन है हमारा, आप बोल सकते हैं कि मैक्सिमम हटा दिया गया है। होटल्स ने अपनी जो IT JT की ट्रेनिंग्स है वो वापस से रिज्यूम कर दी है। आप लोगों ने देखा होगा LinkedIn पे या होटल्स के जो वेबसाइट है वहाँ पे वैकेंसी फिर से रिफ्लेक्ट होने लग गई है। तो उसके बिहाफ पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आप ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। आप इसको एज अ टिप ले सकते हैं। ये टिप्स अगर आप यूज़ करेंगे, फॉलो करेंगे अपनी ट्रेनिंग्स के दौरान, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि ट्रेनिंग्स का मतलब है वहाँ से कुछ सीख के आना है, ये नहीं हो कि जैसे कि आप एक ब्लैंक पेज की तरह गए थे किसी होटल्स में ट्रेनिंग्स के लिए सीखने के लिए, पर आप सेम वही ब्लैंक पेज होके वापस आ जा रहे हो। तो इन 10 टिप्स को आपको फॉलो करना है, और मैक्सिमम आप जो भी समय किसी भी होटल में या किसी भी रेस्टोरेंट में दे रहे हैं तो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है और मैक्सिमम नॉलेज जो गेन करने की कोशिश करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो मेरा टिप है वो है, आपको हमेशा अपने साथ एक छोटी डायरी और एक आपको एक पेन रखना है। एक छोटी डायरी आप अपने पास रख सकते हैं, एक पेन अपने साथ रखिए। अब इसके अंदर आप जो भी इम्पॉर्टेंट आपको रेसिपीज़ बताई जा रही हैं, इम्पॉर्टेंट टिप्स बताई जा रही हैं, या किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, आपको लिख के रखनी है। ऐसा नहीं हो कि आप कुछ भी किसी भी पेज पे लिख रहे हैं और बाद में वो आपकी यूनिफॉर्म के साथ ही धोने के लिए चला जा रहा है और जो भी इन्फॉर्मेशन आपने लिख के रखी थी आप उसको मिस कर देंगे। तो ऑलवेज कीप अ स्मॉल डायरी एंड अ पेन विद यू। और पेन को किसी को देना नहीं है, होटल में सबसे ज़्यादा होता है आपसे कोई आएगा पेन मांगेगा और पेन मांगने के बाद वो आपका पेन लेके चले जाएगा। तो पेन किसी को नहीं देना है, पेन अपने पास ही रखना है। दूसरी टिप यहाँ पे कि ऑलवेज वेयर यूनिफॉर्म। आपको हमेशा यूनिफॉर्म पहननी है, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहननी है। और यूनिफॉर्म हो सकता है कि आपको होटल्स के द्वारा प्रोवाइड की जाए जो कि वहीं पे धुलेगी, या फिर आपको खुद अपनी यूनिफॉर्म का आपके आपको अपनी खुद यूनिफॉर्म लेके आनी पड़ी। ये डिपेंड करता है होटल और कॉलेज के जो भी उनके बीच में एग्रीमेंट होता है। दूसरा, यहाँ पे यूनिफॉर्म के अंदर आपके जूते भी आते हैं। जूते आपके कोशिश कीजिएगा कि एंटी स्किड हो और सेफ्टी शूज़ हो। सेफ्टी शूज़ से मेरा मतलब कि ऐसे शूज़ अगर आपको कुछ लग भी जाता है जिसके कि टो पे वहाँ पे लोहा लगा रहता है ताकि कुछ आपके पैर पे अगर आप गिरेगा तो आपके पैर के जो पंजों को नुकसान नहीं होगा। दूसरा, अगर आप किचन में काम कर रहे हैं, फ्लोर स्लिप रही है तो आप स्लिप नहीं होंगे। तो यहाँ पे नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म पहननी है, शूज़ पहनने हैं और उनको पॉलिश करके रखना है, और एंटी स्किड शूज़ ही आपको यूज़ करने हैं। तीसरी यहाँ पे टिप है कि रिपोर्ट ड्यूटी ऑन टाइम। आपको जो भी आपके मैनेजर के द्वारा बताया गया है, जो भी टाइमिंग आपको दी गई है, आपको रिपोर्ट करना है टाइम पे। कोशिश कीजिएगा कि 10 मिनट पहले आ जाएं। इससे आपकी पंचुअलिटी का पता चलता है कि भाई आप अपने काम के प्रति कितने ज़्यादा उत्सुक हो करने के लिए, सीखने के लिए। तो पंचुअल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जो चौथी टिप है वो है हमारी पर्सनल ग्रूमिंग की। आपको हमेशा शेव करनी है, नेल्स काट के रखने हैं, और साथ साथ आपको शावर भी लेना है। अब आप चाहें तो होटल्स के अंदर जो फैसिलिटीज़ होती हैं, होटल में जो स्टाफ रूम्स होते हैं वहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। आप लोग वहाँ पे नहा सकते हैं, शेविंग कर सकते हैं। होटल में लोग मैक्सिमम करते हैं, बंकर्स वहाँ पे होते हैं जहाँ पे कि आप रह भी सकते हैं परमिशन लेके अपने मैनेजर्स की, तो आप इन फैसिलिटीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर आपको आपकी जो पर्सनल ग्रूमिंग है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपके ड्यूटी रोस्टर। जब भी आप लोग एंटर करते हो ट्रेनिंग्स के लिए, तो जो सबसे पहले आपको जो जाना पड़ता है वो ट्रेनिंग मैनेजर्स के पास जाना पड़ता है। ट्रेनिंग मैनेजर आप लोगों को आपकी जो ड्यूटी है शेड्यूल करके देते हैं कि आपको एक महीना इस डिपार्टमेंट में रहना है या फिर आपको एक महीना इस डिपार्टमेंट में रहना है। इसके अलावा वो ये भी शेड्यूल करते हैं कि आपकी ड्यूटी कितने बजे से कितने बजे तक होगी। तो सबसे वो पहला एक स्टेप होता है, उसको फॉलो करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाती है टिप, वो आ जाता है हमारा सेम इसका ही ये दूसरा पार्ट है, आपके डिपार्टमेंट हेड्स। अगर आप किचन में जा रहे हैं तो वो शेफ को हैंड ओवर कर देगा, उसके बाद शेफ आपको आपकी जो ड्यूटी असाइन करेगा। तो यहाँ पे आपकी जो भी शेफ ड्यूटी असाइन कर रहा है, या फ्रंट ऑफिस मैनेजर या बार मैनेजर या F&B मैनेजर, आपको उसको फॉलो करना है। जो भी बॉस बोलता है आपको उसको फॉलो करना है। जिस भी डिपार्टमेंट में आपको बोला जाता है वहाँ पे आपको जाके जो भी आपको काम बोला जाता है वो आपको करना है।
इसके बाद जो सातवां पॉइंट आता है यहाँ पे आता है वो मशीन्स का। किचन्स के अंदर अलग अलग प्रकार की मशीन होती है, अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट में भी जाके काम करते हैं तो अलग अलग प्रकार की मशीन्स होती है, जैसे कि मान लीजिए कॉफ़ी मशीन हो गई, हमारे बफेलो चॉपर हो गए, बॉन्जो मशीन हो गई, या फिर आपके जैसे डीप फ्राइड फायर हो गए, तो ये ऐसी मशीन होती है जो कि डेंजरस हो सकती है। तो कभी भी इन मशीन्स को डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है, हमेशा कोशिश करनी है कि किसी एक ऐसे बंदे से आपको साथ में रहना है या साथ में रखना है जिससे कि आप पहले सीख लीजिए अच्छे से, उसके बाद उस मशीन का यूज़ कीजिए, नहीं तो यहाँ पे आपकी लाइफ को भी खतरा हो सकता है, किसी भी प्रकार की आपको इंजरी हो सकती है। तो पहले समझना है, सीखना है, फिर ही उसके बाद यूज़ करना है। इसके बाद आठवां पॉइंट है, जैसे कि मैंने मशीन्स का बताया वो तो शार्प होती हैं, अब कई सारी मशीन्स ऐसे भी होती हैं जो कि गर्म होती है, जैसे कि हमारा सैलामेंडर हो गया, डीप फ्राइड फायर हो गया, या हमारी हॉट प्लेट्स होती हैं, जिन पे कि काम करना मुश्किल तो नहीं होता पर आप बोल सकते हैं डेंजरस हो सकता है, क्योंकि हमको नहीं पता होता उनका टेम्परेचर कैसे सेट करना है। ओवन में से एक मशीन हो सकती है, तो आपको यहाँ पे पहले उसके बारे में अच्छे से सीखना है अपने सीनियर से, और उसके बाद ही उसको यूज़ करना है। डायरेक्ट किसी भी मशीन को अगर आपको कोई बोलता है जाके पालक काट के लेके आ जाओ, तो उसको बोलना है सर पहले आप मुझे बता दीजिए किस तरीके से चीज़ें करनी है, हो सकता है कि आपकी स्पीड स्लो हो पर आप वो कर लोगे। जैसे पोटैटो पीलर एक मशीन होती है, तो पोटैटो पीलर मशीन अगर आपको यूज़ करनी है तो पहले आपको अपने अपने बॉस से अपने सीनियर से बोलना है कि सर एक बार मुझे आप एक सैंपल दे दीजिए किस तरीके से मुझे करना है, उसके बाद आप एक बार उसके सामने ही उस मशीन को यूज़ कीजिएगा, और जो भी सेफ्टी गार्ड वहाँ पे बोले हैं उनको यूज़ कीजिएगा। सेफ्टी गार्ड से मतलब है कि जो भी प्रिकॉशंस आपको बोले जा रहे हैं या मशीन के द्वारा जो भी मशीन दी जा रही है जो कि आपकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, उनको ज़रूर यूज़ कीजिएगा, और उसके बाद जब आपको चीज़ें समझ आ जा रही है तब आप जाके ये काम कीजिएगा। तो आपके यहाँ पे आपको जो जलने का खतरा होता है, आग लगने का खतरा होता है, उंगली कटने का खतरा होता है, वो थोड़ा कम हो जाता है। इसके बाद नौवा पॉइंट है, वो है आपके हैवी वेट्स का। होटल में जब भी आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं आपको ढेर सारे जो स्टोर्स के लिए भेज दिया जाता है, स्टोर्स काफ़ी भारी होता है, तो हम लोग किसी भी प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा करके ट्रॉलीज में रख के लाते हैं या अपने कंधों पे उसको उठा के लाते हैं। तो कोशिश करनी है आपको यहाँ पे सेफ्टी जो बेल्ट होती है वो पहननी है, जो कि आप कमर पे पहनते हो, जिससे कि आपकी कमर सीधी रहती है, और कभी भी आपको अपने भार से ज़्यादा भार नहीं उठाना है। हमेशा अगर चीज़ें भारी है तो आपको किसी दूसरे की हेल्प लेनी है, या ट्रॉली वगैरह की भी आप यूज़ कर सकते हो। तो अपने वेट से ज़्यादा वेट नहीं उठाना है या गलत ढंग से नहीं उठाना है, आपकी जो बैकबोन है वो इंजर्ड हो सकती है और लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही ज़्यादा इसका नुकसान हो सकता है। दसवां और जो सबसे लास्ट पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है वो है आपका टेस्ट द फूड एंड आस्क क्वेश्चंस। आपको आप जिस भी डिपार्टमेंट में हो, मैं किचन की बात करूंगा, जो भी आप खाना बनाएं या जो भी खाना आपके सामने बन रहा है, कोशिश कीजिएगा कि उसे टेस्ट कीजिएगा। टेस्ट का मतलब खाना नहीं होता, टेस्ट का मतलब होता है कि आप उसको टेस्ट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या चीज़ बन रही है, और जो भी समझ नहीं आता है अपने सीनियर से पूछिएगा कि सर ये क्या है। पर जब भी आप टेस्ट करें पहले अपने जो सीनियर से उनकी परमिशन लीजिए, उसके बाद जाके उसे टेस्ट कीजिए और क्वेश्चंस पूछिए, और जो भी आपको आंसर्स मिल रहे हैं तो जो आपकी छोटी वाली डायरी और जो पेन है, और पेन किसी को नहीं देना है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, पेन नहीं तो लेके भाग जाएगा आपका कोई, फिर आप 30 दिन में 30 पेन आपको चाहिए होंगे, उनको वहाँ पे लिख के रखना है। और जब भी आप अपने घर में जा रहे हैं या रात को कहीं बैठ रहे हैं या जब वापस से आप दोबारा कॉलेज में जाएंगे तो उनको रिवाइज़ करना है। यही एक बेस्ट तरीका होता है अपनी ट्रेनिंग्स का प्रॉपर यूज़ करने का। मैं भी यही फॉर्मूले अपनाता था, आप भी यही फॉर्मूले अपनाइए और आप देखेंगे कि आपको बहुत ही अच्छा सीखने को अपनी ट्रेनिंग्स के दौरान मिल गया है। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है, कमेंट्स है, मुझे नीचे लिखिएगा, या मुझे जो व्हाट्सएप का नंबर है वहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।